मैं एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर रहा हूँ एडीसी में, एडिशनल डिवाइस कंट्रोलर से। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे उसके लिए मैं एडीसी सर्वर पे जाता हूँ, ठीक है। और इससे सबसे पहले हमें क्या करना है, आईपी एड्रेस इंसर्ट करना है। तो इसके लिए भी पहले ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाते हैं। चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स पे जाते हैं, टर्न ऑन करते हैं सारी सर्विसेज को, एयर चेंजेस, चेंज एडेप्टर सेटिंग, लोकल एरिया कनेक्शन प्रॉपर्टीज, टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज। यहाँ पर मैं सर्वर का आईपी डाल रहा हूँ एडीसी का 10.0.0.202 और रूट सर्वर का आईपी 10.0.0.200 और 202 अगेन ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर पे ऐड कर देता हूँ। 10.0.0.200 हमारा रूट सर्वर का आईपी एड्रेस है, चेंज करा के देखते हैं। 10.0.0.200 फाइन, चेंज कर रहे हैं। उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमें इंस्टॉल करनी है। सर्वर मैनेजर पे जाते हैं, रोल सेलेक्ट करते हैं, ऐड रोल, नेक्स्ट करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हम डायरेक्ट का पीसी प्रोमो चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना था और फिनिश कर देना है इंस्टॉल करने के बाद। स्टार्ट रन पे डीसी प्रोमो चलाते हैं लास्ट पे। नेक्स्ट करते हैं एडीसी बनाने के लिए सेलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट और सेलेक्ट करेंगे एड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ये हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होगा। नेक्स्ट करेंगे डोमेन नेम यहाँ ऐड करेंगे google.com। ऑल्टरनेट क्रीडेंशियल्स पे चेक करते हैं, google/administrator 10 आईपी पासवर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू में ये google.com फॉरेस्ट रूट डोमेन इसने सर्च कर लिया। नेक्स्ट करते हैं, रिकॉर्ड पर साइट नेम में एडीसी इंस्टॉलेशन आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। डीएनएस सर्च कर रहे हैं, डीएनएस इसमें भी प्रिपेयर होगा प्लस ग्लोबल कैटलॉग सर्वर GCS कहते हैं उसको, GCS ग्लोबल कैटलॉग सर्वर वो भी इसमें प्रिपेयर होगा, इस सब ध्यान रखना है। ये DNS कंफिगर कर रहा है, DNS प्लस ग्लोबल कैटलॉग दोनों बनेगा। एक ऑप्शन और होता है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ये ऑप्शन आपको अलग से आगे अलग इंस्टॉलेशन पार्ट में आएगा। नेक्स्ट करते हैं, जिसमें भी NCDS डायरेक्टरी में डेटाबेस स्टोर होगा, एक्सेस वर्ल्ड डायरेक्टरी में शिफ्टिंग एंड पॉलिसी। एक्टिव डायरेक्टरी रीस्टोर मोड पासवर्ड ऐड करते हैं, एक्सपोर्ट सेटिंग्स में जाके ऐड कर देते हैं CDC में ADC सर्वर इंस्टॉलेशन, सेव, ओके, नेक्स्ट एंड रीबूट ऑन कंप्लीट। आफ्टर रीस्टार्टिंग इसमें भी आपको आईपी एड्रेस चेक करना है, डीएनएस सेटिंग चेक करनी है, ठीक। तो
सर रीपैकिंग स्टार्ट करेंगे आगे तो कंटिन्यू करते हैं ये रीस्टार्ट होके स्टार्ट करते हैं हम एडीसी हमारा एडीसी है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कंट्रोलर इंसर्ट करते हैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं ASD -123 कनेक्शन से जाते हैं MCITP.CPL यहाँ पर आईपी एड्रेस कैसे वापस चेक करना है एडीसी के अंदर आफ्टर इंस्टॉलिंग एक्टिव डायरेक्टरी टीसीपी आईपी वर्जन 4 में जाना है तो देखो एज इट इज जैसी कंडीशन थी वैसी चल रही है ठीक है ओके करते हैं लोड लोड चेक करना है DNS चेक करना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर एडीसी एडिशनल